लास्ट क्लास में हम डेटा एनालिटिक्स की सेल्स रिपोर्ट्स में हम यहाँ तक पहुंचे थे। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब मुझे यहाँ ये जो लोकेशन खाली है यहाँ पे चाहिए कस्टमर टाइप वाइज टोटल सेल्स शेयर। ठीक है, सेल्स शेयर चाहिए। अब यहाँ पे मुझे शेयर का लोगो देना है, तो मैं गूगल पे जहाँ चले जाता हूँ, ताकि यहाँ पे टाइम लगेगा तो गूगल पे ही खोज लेता हूँ। सिंपल सा आइकन या लोगो जो भी हो। हाँ ये सही रहेगा। मर्ज कर दिया और यहाँ पे आ जाएगा हमारा सेल्स शेयर। और ये चीज जो है हम डेटा पे जाते हैं और एक और यहाँ इस पे सपोर्ट पे आते हैं, और जो पिवट टेबल जो हमने लगा रखा है उसी को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। और इसमें हम जाते हैं इसमें पिवट टेबल एनालाइज के अंदर फील्ड लिस्ट, और यहाँ से हटा के हम यहाँ पे कस्टमर जो हमारा है कस्टमर को रख देते हैं। तो तीन चीजें आती है इसलिए, और इसको जो है हम शॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है सर, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। उसके बाद मैं इंसर्ट करता हूं अपना ये वाला चार्ट, और इसके बाद इसमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी होगी। मैं यहां से सबसे पहले हाइड करता हूं, मुझे क्या क्या नहीं चाहिए। तो मुझे इसमें से चार्ट का टाइटल नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे एक्सिस नहीं चाहिए, ये तो चाहिए, ग्रिड लाइन नहीं चाहिए, लेजेंड नहीं चाहिए। ठीक है, और ये साइड में एक्सेस आ रहा है ना, वो भी नहीं चाहिए। एक तो इसको हटाने से हट जाए, दोनों हट जाता है, तो इसको डिलीट कर देते हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल डिलीट कर दिया हमने। अब थोड़ा से दूर दूर है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा पास पास आए। तो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेटिंग पहले से तो है ही, आप वो ले सकते हो, लेकिन फिर भी वो मेरे हिसाब से नहीं बन पा रहा है। तो मैं इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक फॉर्मेट डेटा शीट पे आता हूँ, और जो गैप है ना इसको यहाँ से कम करता हूँ। ये तो दो में आता है, एक गैप थोड़ा सा कम करता हूँ। राइट क्लिक करके डेटा लेबल ऐड करना है, और इस डेटा लेबल को हमें शो करना है कि यहाँ पे सबसे ऑर्डर ऑफ काउंट है, मुझे ऑर्डर ऑफ काउंट नहीं चाहिए। मुझे चाहिए इसमें ये जो नीचे देख पा रहे हैं ना ऑर्डर काउंट आया हुआ है, लेकिन ऑर्डर काउंट नहीं चाहिए, मुझे सेल्स का चाहिए ना। तो यहाँ लिस्ट में आके ऑर्डर वैल्यू को हटा देता हूँ और यहाँ पे सेल्स वैल्यू को डालता हूँ। अब मैं इसको एड डेटा लेवल इसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट डेटा लेवल नंबर पे यहाँ पे आएंगे हम, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ नंबर पे, नीचे नंबर है। और नंबर पे आने के बाद यहाँ हमें कुछ नहीं यहाँ पे देना है, हैश कॉमा एंड के इनवर्टेड कॉमा के अंदर जो हम कस्टम फॉर्मेटिंग में ऐड करते हैं, तो अमाउंट इन के में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से इसको हम कट कर रहे हैं, कट करने के बाद हम डैशबोर्ड पे जाते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। काफी बड़ा है तो जाहिर सी बात है इसको छोटा करेंगे।
उसकी बॉर्डर हटा देनी होगी, कंफिगरेबल ऑप्शन में चाहिए, राइट क्लिक, चार्ट ऑप्शन, फॉर्मेट चार्ट एरिया, बॉर्डर, फिल पे कर देते हैं नो फिल और बॉर्डर पे कर देते हैं नो लाइन। इसे थोड़ा सा और हम इधर रख सकते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर, इसका थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, इसका साइज जो है थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर देते हैं, इसका साइज भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और थोड़ा सा से इसको ऊपर तक कर देते हैं। अब सही है, लेकिन एक चीज नहीं है इसमें, हमने शॉर्ट नहीं किया इसको, राइट क्लिक करके शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और देखिए ये आपका लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आ गया। अब नीचे की एक लास्ट लाइन हमारी बची हुई है, उसको हम एक बार देख लेते हैं। ओके सर, स्लाइसर लास्ट में करें? हाँ, स्लाइसर लास्ट में करें। ठीक है, अब यहाँ पे जो अगला ऑप्शन आता है हमारा, हमारा चाहिए प्रॉफिट शेयर बाय कैटेगरी, किस कैटेगरी के कितना परसेंट प्रॉफिट, मतलब जो ये रिपोर्ट हमने ये जो बनाई है ना, इसी का एक और पिवट बनाना है प्रॉफिट के लिए। ठीक है, और यहाँ पे प्रॉफिट आइकन उठा लेते हैं, तो ए वाला ले लेते हैं, सही रहेगा ना जी। रूपी, रूपी का साइन आना चाहिए, अच्छा रहेगा, इंडिया इंडियन है ना इसलिए। ए ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है सर। और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, छोटा करते हैं इसको थोड़ा सा, इसमें मर्ज करते हैं और यहां पे देते हैं प्रो फिट शेयर बाय कैटेगरी। ये कैटेगरी न्यू कस्टमर हो गया। और इसको इंडेंट कर देते हैं, ठीक है, अब सपोर्ट में आते हैं, इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इसे नीचे कर लेते हैं और इसकी लाइट क्लिक करके हम शो फिल लिस्ट पे आते हैं और यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे हम डालते हैं प्रॉफिट। ठीक है, और इसको भी सेम कर देते हैं शॉर्ट लार्जेस्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। और इस पे जो हम चार्ट बनाना चाहते हैं ना, इस पे हम चार्ट बनाना चाहते हैं अपना हिस्टोग्राम चार्ट। यू कांट क्रिएट द चार्ट विद इनसाइड द पिवट टेबल। अच्छा, हिस्टोग्राम चार्ट हम जो है इस पे नहीं बना सकते, ये फुनल चार्ट ये भी नहीं बना सकते। तो ये हिस्टोग्राम चार्ट हो गया या फुनल चार्ट हो गया, हम नहीं बना सकते, ये सब चार्ट जो है ना पिवट के साथ नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस पे हम दिखाना तो हमें है, लेकिन तो हम हिस्टोग्राम चार्ट में ही दिखाना है, तो क्या करेंगे सर, वी हैव जस्ट लिंक। ठीक है, और यहाँ सब कुछ सेम रहेगा, और ये जो मैनुअली कॉर्पोरेट हमने देखा है, एक कॉर्पोरेट को हटाइए और इसको सेलेक्ट करिए।
और यहाँ हम कर देते हैं पिवट टेबल क्वाड्रुपल चार्ट, ठीक है, और ये डेसिमल्स रिमूव कर दीजिए, और ये जो चीजें हैं वो हटा देते हैं, यहाँ से लाइनिंग भी हट जाता है, साइड में जो है इसको भी हटा देते हैं। इसकी कलर जो है हम सोच रहे हैं कि क्लास में क्लास में ठीक है सर, इसको यस कट सर, करते हैं और डैशबोर्ड पे यहाँ पे पेस्ट करते हैं। चार्ट टाइटल हमें नहीं चाहिए तो यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और इसकी राइट क्लिक कर फॉर्मेट चार्ट एरिया, इसमें हम कर देते हैं नो फिल नो बॉर्डर, सॉरी चार्ट एरिया में करना था, नो फिल नो बॉर्डर। ये हो गया, अब मुझे सेकेंड लाइन चाहिए यहाँ पे ईयर वाइज मंथ वाइज सेल्स का शेयर, तो हम वापस पिवट टेबल को लेते हैं, नीचे कॉपी पेस्ट करते हैं। ये कई सारे पिवट टेबल बन रहे हैं ना सर, क्या अलग अलग एंगल यस से क्या है ना कि हमें एनालाइज करना होता है तो हमें इस तरह की चीजें करनी पड़ती है। अगर पिवट टेबल नहीं करेंगे तो सब जगह पे हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, आपका सम इफ का काउंट इफ का एवरेज कैसे फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे सर, जी, ठीक है ना। तो ईयर आ गया सही है, अब ईयर में इसी को ग्रुप है ना ईयर वाइज, इसी को मैं पिवट टेबल ऑफ इसमें ग्रुप में जाता हूँ, ईयर और मंथ ले लेता हूँ, ठीक है, क्या हो गया। मैंने यहाँ पे मान लीजिए डेट और यहाँ पे मैंने पिवट टेबल ऑप्शन में मैंने इसको राइट क्लिक ग्रुप किया ग्रुप और इसको मंथ भी दे दिया। एक्सेल वाज अनेबल टू अपडेट पिवट टेबल फाइल एंड वर्कशीट नेम सपोर्ट बिकॉज इट हैव ओवरलैप द मदर पिवट टेबल। ओके ओके, नीचे भी कोई पिवट टेबल है क्या, मुझे तो कोई पिवट टेबल था नहीं, अच्छा ऊपर है ना, इसको थोड़ा सा और कट करके नीचे लाना हो, ओवरलैप कर रहा है ना इसलिए, अब मैं डेट बता रहा हूँ और अगेन इसमें हम डेट रख रहे हैं। अब राइट क्लिक पिवट टेबल ऑप्शन, पिवट टेबल में ग्रुप करते हैं हम और ग्रुप में मंथ देते हैं, क्या हो रहा है, एक मिनट, सिर्फ मंथ कर देते हैं, पिवट पिवट टेबल ग्रुप पे है, ऐसी दिक्कत हो रही है ना तो हम ग्रुप में आते हैं और सिर्फ मंथ करते हैं, क्वार्टर ईयर हटा देते हैं मंथ करते हैं, मंथ आ गया, और इसको से कैलकुलेट ग्रुप ईयर भी करना है। अब इसमें दिक्कत हो रही है कि दोनों को ग्रुप नहीं कर पा रहा है सर, एक काम करता हूँ मैं इसको डिलीट करके दोबारा से पिवट टेबल लगाता हूँ, ठीक है सर, पिवट टेबल एग्जिस्टिंग वर्कशीट
यहाँ पे सपोर्ट पे इसको सिलेक्ट करके ओके कर दिया। अब मैं पिवट यहाँ पे डेट रखता हूँ जो कि मंथ वाइज ग्रुप है, और ग्रुप में मैं यहाँ मंथ और ईयर दोनों लेता हूँ। सी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, आगे को तो पिवट टेबल नहीं है तो ओवरलैप कैसे कर रहा है? जो फाइल को सेव करके हमें सब आरएफ आरएफ आ गया, तो बाकी पूरा पिवट टेबल आपको हटा दिया जी। तो यहाँ पे छोटी सी गलती कर दिया इसने, सबको सही करना पड़ेगा, दोबारा से करना पड़ेगा। रिफ्रेश कर दिया सर, आ गया और डैशबोर्ड भी हमारा परिपूर्ण हो गया। ओ तो कैलकुलेट कर दीजिए, सब कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है कि मुझे ईयर वाइज मंथ वाइज का टोटल चाहिए। अब यहाँ पे जो हमें मंथ वाइज तो आ रहा है पर ईयर के हिसाब से नहीं आ रहा, तो एक काम करता हूँ मैं डेट को एक बार और कॉलम में रखता हूँ, लेकिन हाँ मैं रो और कॉलम दोनों किसी एक ही लिख सकता हूँ। फिल्टर में डालता हूँ राइट क्लिक करके, यहाँ फिल्टर में डालने पे हम डेट को ग्रुप नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ डाल रहे हैं। अब ऐसी प्रॉब्लम हो रही है ना सर, तो मैं एक और सीट ले लेता हूँ ठीक है। इसको जो है कट करके मैं यहीं पे मूव कर दिया, शायद यहां पे दिक्कत ना हो, क्योंकि पिवट टेबल हम चाहे जितने जगह पे ले ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम यहाँ ग्रुप पे जाते हैं और ईयर ले लेते हैं। अब आ गया, अब इस ईयर को जो हमारा ईयर है उसको उठा कर देते हैं कॉलन में, और फिर यहाँ पे जो हमारा टोटल सेल्स है यहाँ पे कस्टमर ऑर्डर सेल्स का इसको यहाँ रखते हैं, और इस पे जो हम चार्ट बनाने वाले हैं वो ए वाली चार्ट बनाने वाले हैं, शेयरिंग वाले। अब लेकिन ये जैन फेब मार्च है, मुझे इसको स्विच करना है, तो यहाँ डिजाइन में आते हैं ये स्विच रो टू कॉलम, नीचे ईयर आना चाहिए और उस साल के मंथली यहाँ पे होना चाहिए क्या मंथ है, और जो दिसंबर का। अब इसमें मुझे क्या क्या नहीं चाहिए, तो मुझे इसमें ग्रिड लाइन नहीं चाहिए, लेजेंड नहीं चाहिए, और इस साइड में आ रहा है ये भी नहीं चाहिए, और इसकी जो राइट क्लिक करके हम हाइड कर देते हैं बटन्स, और इसके बाद हम इस सबको राइट क्लिक करके फॉर्मेट राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा सीरीज पे आते हैं। एक गैप जो है दिख रहा है, गैप को कम कर दें, इससे हमारा पट्टी जो है चौड़ा हो जाएगा। ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है सर। अब जी सर, इसको यहाँ से हम कट करते हैं, कट करने के बाद जाते हैं हम अपना डैशबोर्ड में और यहाँ हमें इसको रखना है यहाँ। अब इसकी नो लाइन नो फिल और कर देते हैं छोटा, ठीक है। अब इसमें आप दे जी दीजिए, यहाँ पे जो टाइटल देना है टाइटल दे दीजिए यहाँ पे। यहाँ पे देता हूँ मैं पर मंथ RISION पाइच सेल्स शेयर, ठीक है सर। अब इसमें जी अभी मुझे दो और करने हैं कि टोटल क्वांटिटी सोल्ड कितनी हुई है कस्टमर वाइज और टोटल प्रॉफिट शेयर क्या है रीजन वाइज, जून वाइज सॉरी। दो बस चार्ट इसमें और बनाने हैं। तो अब सपोर्ट यहाँ यहाँ पे आ गया, ठीक है। बाकी सब तो सही से चल रहा है ना हमारा। जी अब इसमें हम अब इसमें नहीं करते, दूसरे चीज पे करते, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पिवट हो गया ना, थोड़ा सा गलत हो गया क्या। यस सर, अब यहाँ पे हमें टोटल क्वांटिटी चाहिए, तो हम सम ऑफ प्रॉफिट को हटाते हैं और शो क्वांटिटी सोल्ड को रखते हैं, और मुझे एक कस्टमर वाइज ही चाहिए, तो चलो ठीक है। और इस पे हम लगाते हैं अपना डोनट चार्ट। चार्ट में अब ये जो कस्ट यहाँ पे हाइड ऑल बटन है कर देता हूँ सबसे पहले, और इसको उठा के हमें इसके बीच में रखना ठीक है। और यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, टोटल नहीं चाहिए हमें। राइट क्लिक करके कमेंट सीरीज एरिया और इसकी डोनट की साइज को थोड़ा सा राउंड शेप में देता हूँ, ठीक है। और इस पे राइट क्लिक करके ऐड डेटा लेबल, तो सब पे करना था डेटा लेबल, वन बाय वन करना पड़ रहा है। और ये जो हमारा है इसको थोड़ा सा बीच में रखते हैं जहाँ पे हमें दिक्कत ना हो। ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करके इसकी नंबरिंग फॉर्मेट पे हम इसको 1000, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट है इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे हैश कॉमा के कर देते हैं, ठीक है। जाने अप्लाई हुआ हैश कॉमा के, इसको ऐड पे क्लिक करना होता तब अप्लाई होता है, ध्यान रखिएगा। अप्लाई हो गया। अब इसकी कलर भी अपने हिसाब से ले लेते हैं, ये हमारा मैं चाहता हूँ इसको ग्रीन लो, तो कलर मैं डायरेक्ट यहाँ से भी कर देता हूँ, और इसको मैं करता हूँ ब्लैक, इसको ब्लैक करता नीचे वाले को ब्लैक चाहता हूँ ब्लैक, और इसको चाहता हूँ मैं हल्का ग्रे। ये सही रहेगा। और इन तीनों को सेलेक्ट करके इसकी कलर व्हाइट एंड गोल्ड। अब इसको इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ठीक है सर। अब यस सर, इसको यहाँ से कट कर दिया। कट करने के बाद हम चले जाते हैं अपने डेटा में और यहाँ इसको रखते हैं, और इसको इसके हिसाब से छोटा करना पड़ेगा ना। नो लाइन
नो, इसको हम आराम से सटा सकते हैं। ठीक है सर, अब लास्ट आता सर। है प्रॉफिट शेयर बाय रीजन, तो इसी को यहां से हम कॉपी करके अगेन यहीं पे पेस्ट कर देते हैं, और प्रॉफिट शेयर बाय रीजन में हम यहाँ पे जोन दे देते हैं, तो यहाँ क्वांटिटी हटाते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट डालते हैं, कस्टमर हटाते हैं, यहाँ पे जोन डालते हैं, और यहाँ पे हमें जस्ट इसमें कुछ खास नहीं चाहिए, हम यहाँ पे चार्ट ले लेते हैं, सिंपल सा लेजेंड पे आते हैं, यहाँ से हम चार्ट टाइटल हटा देते हैं, हम लाइन हटा देते हैं, लेजेंड को हटा देते हैं, और ये जो लाइनें हैं इसको भी हटा देते हैं, और राइट क्लिक करके यहाँ पे हम हाइड कर देते हैं, ये थोड़ा सा अलग अलग है, तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा सीरीज में इसकी गैप को थोड़ा सा कम कर देते हैं, ताकि पट्टी जो है चौड़ा हो जाएगा, और फिर इसके ऊपर ऐड डेटा लेवल, जाहिर सी बात है कि हम ऐड डेटा लेवल करेंगे, और डेटा लेवल ऐड कर दिया, अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि ये जो आपका दिख रहा है डेसिमल्स में नहीं है, तो मैं इसको डेसिमल में कर देता हूँ। ठीक है, इसकी चार्ट अलग अलग कलर का चाहिए तो अलग अलग कलर ले कर सकते हैं, कि भाई ये चार्ट दो बार क्लिक करेंगे तो ये अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन, अलग अलग कलर करना है तो अलग अलग कलर कर दीजिए, ये कलर रखना है तो एक कलर रख दीजिए, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा सीरीज के अंदर जाते हैं, और इसके नंबर ऑप्शंस में हम यहाँ पे जीरो हटा देते, ठीक है, इसको कट कीजिए और डैशबोर्ड पे डाल दीजिए, ये लास्ट हमारा था ना पेस्ट, और इसके अंदर बॉर्डर वगैरह लगा, इसको छोटा करना है पहले, तो इसको यहां से मैं छोटा किया, और इसको काट 5 से 10, 5 7 लोग, 7 लोग। हेलो, हाँ 7 7, 7 7 7 20 से स्टार्ट होगा, अभी क्लास चल रही है, सो खत्म कर दो। फॉर्मेट चार्ट एरिया नो लाइन नो फिल, अब हमारा चार्ट रेडी हो गया। ठीक है, अब चार्ट रेडी होगा, बट इसमें हमने अभी तक केपीआई इंस्टॉल नहीं किया, मतलब कि स्लाइसर, ताकि हम किसी किसी एंगल पे देखें, तो कैटेगरी सब कैटेगरी और हमारा ऑर्डर डेट, तीन ही हमारा यहाँ पे आना चाहिए, तो हम जाते हैं अपने रिपोर्ट में सबसे पहले वाले चार्ट के ऊपर जो सबसे पहला है उस पे, और यही पे हम कर देते हैं इंसर्ट स्लाइसर। ठीक है, तो इसमें हमें चाहिए कैटेगरी सब कैटेगरी, बस दो चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पे ले लिया, अब इसको कट करके हम आते हैं अपने डैशबोर्ड और यहाँ पे इसको फिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने इसको रखा, यहाँ पे रखा, ऊपर का ऑर्डर डेट आएगा, और ये जो फालतू का है उसको हम यहाँ पे कम कर देते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा, और ये हमारा आ जाएगा सब कैटेगरी। और इसको भी नीचे जो ब्लैंक है उसको भी इसी हिसाब से, थोड़ा सा कम है बना, आप ज्यादा होगा तो आप इस हिसाब से 2 लाइन 3 लाइन कर दीजिएगा। ठीक, अब इसमें एक डालना है हमारा, क्योंकि ऑर्डर डेट हमारा टाइम है, डेट है, तो इसके लिए हमको टाइमलाइन इंसर्ट करना होगा, तो यहाँ पिवट टेबल एनालाइज में हम आते हैं इंसर्ट टाइमलाइन, और यहाँ पे ओके कर देते हैं, और इसको हम यहाँ से कट करते हैं,
और डैशबोर्ड से जाते हैं, और यहाँ ये चीज यहाँ होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा फिर, और यहाँ इसको फिट करना, ठीक है सर, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है सर, हो गया। अब यस सर, देखिए, अब मैं यहाँ पे अगर अब यहाँ पे ये अब यहाँ पे मैं अगर आर्ट पे क्लिक करता हूँ, इसको वो कनेक्ट करना है। हाँ कनेक्ट नहीं करना है, बाकी ये सब ये चेंज क्यों हो रहा है, तो कनेक्टेड है। अगर यहाँ पे हम अप्लाइंस करता हूँ, एक मिनट सपोर्ट करते हैं, तो इसमें रिफ्रेश करते हैं कुछ। सपोर्ट ये अलग अलग चार्ट तो नहीं ना है, इकट्ठा है ना, तो इसको कट करता हूँ इससे और यहाँ रखता हूँ सपोर्ट में, चेंज तो हो रहा है। पार्ट किया 765 है, बट आप जाके देखें सपोर्ट में कुछ और है, तो रिफ्रेश कीजिए। ये थोड़ा सा फाइल सेव करके ओपन, आ गया, आ गया ना ऊपर सब दिख रहा, आ गया यस आ सर, गया। ये आपको रिफ्रेश करना पड़ रहा है, एक बार इसको सेव करके ओपन करना पड़ेगा, तो बाकी सबको कनेक्ट करना पड़ेगा। हो रहा है सर, हो रहा है यस सर। सर। और बाकी जितने भी हमारे पीवर्ड है सबको कनेक्ट करना होगा, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, और बाकी को कनेक्ट करेंगे, और कल इस पे हम बात करेंगे कि हमने कौन सा चार्ट क्यों लगाया है, लगाने के पीछे रीजन ठीक, क्या है, यस सर, समझ गए ना, कि जो चार्ट हमने लगाए हैं उसके लगाने के पीछे हमारा रीजन है क्या, बस ये चीज के बारे में हम जानेंगे, यस सर, समझ गए। यस यस सर। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमारा नेक्स्ट क्लास में ये ऑप्शन होगा, इसके बाद इसमें खत्म करके फिर दूसरे टॉपिक पे हम बढ़ेंगे, ठीक है। ओके सर। हम क्लोज करते हैं और यहाँ पे